सो नमस्कार, वेलकम। आज आपका स्वागत है हमारे पहले संडे क्लास, स्पेशल संडे क्लास लेक्चर में। तो जैसे कि हम दूसरे दिन पढ़ाई और ये सब डिस्कस करते हैं, बट हम पढ़ाई के दौरान एक मेन चीज काफी बार लोग पीछे छोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं हम लाइफ एक्चुअल में जीना। जीते तो सब हैं, बट अलग अलग वे होता है। सो संडे हम डिस्कस करेंगे अबाउट लाइफ, जिसमें आ जाएगी हर एक चीज, हर एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो लाइफ रिलेटेड, सो कमेंट्स में छोड़ दीजिए। सो अब आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो है अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज हम ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके कोई चीज है, हाँ या ना? सोच के देखिए, आपको क्या लगता है, कुछ है ऐसी चीज, कोई हो सकती है? सो अगर आपने सोच लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में है, सो मैं कौन होता हूं कहने वाला आपके, आप सोच रहे होंगे भाई कैसे, मतलब क्या तुम कैसे कह सकते हो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने देखा है, मैंने अप्लाई भी किया है और अट्रैक्ट भी किया है, और अट्रैक्ट चीजों को नहीं किया है, एक इंसान को भी अट्रैक्ट किया है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो अब आपको थोड़ा बाउंसर जा रहा होगा कि बाप रे, कोई ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र तो नहीं है कि ये क्या कह रहा है, अट्रैक्ट किया है क्या कह रहा है ये। सो ठीक है, हम आगे देखेंगे वो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली मतलब प्रूफ क्या है भाई, तुम्हें कैसे पता चला या तुम्हें नॉलेज कहां से मिला? आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि ये लॉ है, ऐसी सिचुएशन है कि तुमने अट्रैक्ट किया, तुम्हें कहां से पता चला, किसने बताया और कैसे फॉलो किया, पर्टिकुलर स्टेप्स होगा अगर लॉ है तो। तो मैं कुछ बुक्स बता रहा हूं जो मैंने पढ़े हैं। सो वहां बुक्स में बेसिकली प्रूफ है। सो जो पहली बुक है जो मैंने पढ़ी, जो ऐसे ही पढ़ ली रद्दी वाले से लेके, 35 रुपीस में परचेज की थी मैंने ये बुक, जिसकी एक्चुअल प्राइस तो काफी ज्यादा है। सो ये है बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और ये है एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। तो क्या हुआ, बेस्ट सेलर है तो। अब ओरिजिनली ये बुक लिखी गई थी 1963 में, बट अब कौन सा साल चल रहा है, 2018, मतलब समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो इस बुक में जरूर है। सो ये बुक पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। इसमें 20 चैप्टर्स हैं, समझ में आ रहा है कितने चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर हैं। तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानना है कैसे यूज होता है, सो डेफिनेटली ये बुक आपके लिए है, क्योंकि ये लॉ एक थोड़ा सा बड़ा है, काफी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो ऐसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पूरा मैं वीडियो में एकदम समझा सकता हूँ, नहीं, ये बुक आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बुक हो गई, बट एक बुक के दम पे मैं कैसे मानूं कि ऐसी कोई चीज है। तो यहां पर आ जाती है दूसरी बुक जिसका नाम है द सीक्रेट। सो सीक्रेट भी अगेन एक काफी बड़ी बुक नजर आ रही है, बट काफी इंटरेस्टिंग है। सीक्रेट और ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एकदम सिमिलर बुक है, इनमें कुछ ज्यादा फर्क है ही नहीं। बट मैंने सीक्रेट नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने इंडेक्स देखी, इंडेक्स से ही समझ में आया कि दोनों बुक्स एक ही जगह पॉइंट कर रही हैं। सो ज्यादा फिर पढ़ने का फायदा नहीं है अगर सेम बुक है तो। सो आप सीक्रेट भी पढ़ सकते हैं। द सीक्रेट जो नाम है, ये क्या है सीक्रेट, जो सीक्रेट नाम है तो जरूर कुछ तो होगा। सो ये सीक्रेट बताता है अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दो बुक्स हो गई, बट और क्या प्रूफ है भाई आपके पास? तो और क्या प्रूफ की अगर आप बात कर रहे हैं, सो ये है बुक द पावर ऑफ फिजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि पूरी की पूरी बुक है बॉडी से रिलेटेड। बॉडी से रिलेटेड है फिर भी, ये बुक है बॉडी से रिलेटेड फिर भी इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंक्लूडेड है, यानी कि इस बुक में तो ऐसा भी लिखा है कि अगर आपने बॉडी नहीं बनानी है, जिम नहीं जाना है, तो आप अट्रैक्शन से ही बॉडी बना सकते हो, भले ही कम बनेगी पर बनेगी। अब आपको कंप्लीटली बाउंसर जा रहा है, आप सोच रहे हो ये क्या है, बॉडी बना सकते हैं अट्रैक्शन से? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, यूएस में एक्सपेरिमेंट किया गया है, थोड़े थोड़े बाइसेप्स बनाए गए थे
और 13% बाइसेप्स बने भी थे बिना जिम जाए, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया गया था। सो नेक्स्ट जो बुक्स हैं, अभी हर एक बुक तो मैं नहीं बता सकता, सो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक बुक है द जर्नी विद इन, दूसरी बुक है द हीलिंग पावर ऑफ माइंड, और ये है बियर ग्रिल्स जो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला इंसान है, इंडिया में इसे ऐसे जाना जाता है। सो एक बुक है ये, इसमें भी लिखा है, और ये है फ्रॉम सेल्फ एनकाउंटर टू सेल्फ रियलाइजेशन। सो इतनी सारी बुक्स हैं। अब फ्रॉम सेल्फ एनकाउंटर टू सेल्फ रियलाइजेशन इंडियन बुक है, बियर ग्रिल्स जो है वो अलग कंट्री से है, जर्नी विद इन अलग कंट्री, यानी कि इतनी सारी बुक्स हैं, हर जगह अलग अलग इंसान है, फिर भी देखो मैसेज क्या है, सेम ही। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो कैसे होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एकदम बेसिक में समझा सकता हूं अभी। सो आइए एक समझने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास होता है एक माइंड, ओके। सो हमारे पास क्या होता है, एक माइंड। अब माइंड के होते हैं दो हिस्से, ठीक है। एक हिस्से को हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, और दूसरे हिस्से को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, बस यही खेल है, इन्हें ही समझना है। सो कॉन्शियस माइंड क्या है, जो मैं कॉन्शियसली फैसले और चॉइसेस लेता हूं जिंदगी में। सो जो जब जब मैं कॉन्शियस हूं तो मैं कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहा हूं। बट सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जो मैं सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली काम करता है, जैसे दिल धड़क रहा है, सांस ले रहा हूं, तो मैं खुद से नहीं ले रहा हूं, ऑटोमेटिक है ये सब, ठीक है। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका यूज क्या है, तो आइए वो भी देखते हैं। अब जब कोई मैंने डिसीशन लिया, या डिसीशन की बात नहीं करते हैं, जब मैंने कोई चॉइस बनाई, ठीक है, कुछ मैंने एक चॉइस की कि मुझे ये करना है, या चॉइस नहीं, अगर मैंने कोई विचार किया, चलो विचार एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, अगर मैंने अपने दिमाग में कोई थॉट लाया, वो थॉट मैंने कॉन्शियस माइंड को दिलासा दिलाया कि सच हो सकता है, सिर्फ दिलासा दिलाया, समझ में आ रहा है क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दिलासा दिलाया के सच हो सकता है, ऐसा मैंने किया 7-8 दिन, तो क्या हो जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी, समझ में आ रहा है। सो कॉन्शियस माइंड से कोई भी थॉट सबकॉन्शियस माइंड में कब जा सकता है, जब वो बने एक हैबिट, समझ में आ रहा है। रास्ता क्या है, एक ही पाथवे है, हैबिट। तो क्या हुआ, सो अगर कॉन्शियस माइंड, देखो कॉन्शियस माइंड सही और गलत के बीच में फर्क पता कर सकता है, बट सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत के बीच में फर्क पता नहीं कर सकता। तो समझो मैंने अज्यूम किया कि मुझे करोड़पति बनना है, तो अब कॉन्शियस माइंड ऐसे सोच सकता है कि भाई कैसे, तू क्या बोल रहा है, करंट सिचुएशन देख। बट अगर मैंने कॉन्शियस माइंड को यकीन दिला दिया कि मैं बन सकता हूं, और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सोचता रहा यही बात, जो कि बन गई हैबिट, एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली चीजें अट्रैक्ट करेगा, चीजें यानी कि ऐसी चीजें अट्रैक्ट करेगा जिससे मैं करोड़पति बन सकूं। तो ये है एकदम बेसिक प्रिंसिपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, हर फील्ड हर जगह यूज किया जाता है, हो भी सकता है, बट लोग क्या है, बोलना इजी है कि फेक है सब, बट मैंने खुद अप्लाई करके देखा है। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, बहुत भयंकर पॉजिटिविटी चाहिए, सब कुछ खुद ही होगा। अब एक चीज और, जैसे कि हम हॉरर मूवी देखते हैं, तो हॉरर मूवी देखते हैं कॉन्शियसली, हमें पता है कि भाई मैं मूवी देखने आया हूं, समझ में आ रहा है, मूवी है, जो भी हो रहा है स्क्रीन के ऊपर हो रहा है, मुझे डरने चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बट सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत के बीच में फर्क नहीं जान सकता है, ड्रीम और इल्यूजन के बीच में फर्क नहीं जान सकता है, समझ में आ रहा है, ड्रीम और इल्यूजन के बीच में भी वो फर्क नहीं जान सकता। तो इसीलिए हम डरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं मूवी में, जबकि हमें पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, भले ही 3D मूवी है,
कुछ बाहर निकल के नहीं आने वाला है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कॉन्शियस माइंड को अगर हमने कंट्रोल किया, एक हैबिट बनाई, सबकॉन्शियस माइंड में गई, तो सबकॉन्शियस माइंड खुद ही अट्रैक्ट करेगा जो भी चीज इस हैबिट के फॉर्म में गई थी। सो ये है एकदम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो मैं एक चीज कहूंगा कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एटलीस्ट ये एक बुक आप पढ़िए अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी, तो आपको कुछ पढ़ाई से ज्यादा ही लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। सो ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारा पहला संडे स्पेशल संडे लेक्चर खत्म हुआ। आप कमेंट कर दीजिए आपको कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहिए। मेरा पर्सनल नंबर है 8080891313। आप व्हाट्सएप पे भी टॉपिक बता सकते हैं। सो ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।